आज मैं आपको दुनिया की सबसे सर्वश्रेष्ठ दवा दिखाने वाला हूँ खून साफ करने के लिए। जी हाँ, खून की जितनी भी बीमारियां होती है, आयुर्वेद में रक्तगत जितने भी रोग बोले हैं, उसमें अगर वर्ल्ड में कोई एक सर्वश्रेष्ठ चीज की बात की जाए तो वो आज मेरे पास है। ये चीज इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इसे आयुर्वेद में स्वस्थ के जो देवता है भगवान धन्वंतरी, उनके हाथ में है। और वो चीज क्या है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये है, चलो अब हम इसे खोलते हैं, खुल जा सिम सिम। और इसके अंदर है दुनिया की सर्वश्रेष्ठ दवा खून साफ करने के लिए। निकल जा निकल जा निकल जा। जैसे ये बहुत सारी हैं मेरे पास, मैंने कलेक्शन रखा है इनका। और ये आ गई इसमें से, चलिए एक निकल के आ गई। ये है जलौ का मेरे हाथ में, जिसे कि लीच कहा जाता है, और आयुर्वेद में इसे खून साफ करने की सबसे सर्वश्रेष्ठ दवा कही गई है। ये जो आगे की तरफ से ये जा रही है, ये इसका मुंह है, और पीछे की तरफ ये इसका टेल है। तो इसकी मैं आपको कुछ पहले जानकारी दे दूं कि क्यों इसे आयुर्वेद में खून साफ करने की सर्वश्रेष्ठ दवा दी है और इसके शरीर का स्ट्रक्चर क्या होता है। ये बहुत सॉफ्ट होती है और ये अपना आकार इस तरह आगे बढ़ाती है। इसके ना दो तरफ से ये जो बोलते हैं सक, जो ये ब्लड को चूसने का काम करती है, वो दो जगह से करती है। पीछे की तरफ से ये ऐसे पकड़ने का काम करती है और आगे से ये ब्लड सक करती है। इसे ये मेल और फीमेल दोनों एक ही में होती है। इसमें आयुर्वेद में तो ऐसे आयुर्वेद में इसके अलग अलग प्रकार बताए हैं, पर ये मेल और फीमेल दोनों एक ही होती है। इसको जलौका संस्कृत शब्द में कहते हैं। इसका जलौका नाम इसलिए है क्योंकि ये जल के अंदर ही जीवित रहती है, एकदम सॉफ्ट है। और इसका जो मुख्य आहार है वो ब्लड है, ये दूसरों जानवरों का खून चूस चूस के जीवित रहती है। इसका खून चूसने का तरीका ऐसा है कि ये आगे से, जो ये अभी इसका मुंह है, ये आगे की तरफ से, ऐसे अगर मैं आपको ये दिखाऊं, ये देखिए आगे पीछे दोनों तरफ से ये चलने का काम करती है। तो ये इस तरफ से खून चूसने का काम करती है। इसके जो ये छोटा सा मुंह है उसमें लगभग 85 से लेके 125 तक, मतलब 85 से 125 तक दांत होते हैं, और यहाँ से वो खून पी पी के बाद में पीछे की तरफ इकट्ठा करती चली जाती है। इसका इस तरह का काम है इसके। ये देखिए, जैसे इसने एक जगह से पकड़ लिया, अब ये इस तरह से पकड़ने का काम कर रही है। ये भूखी होगी तो अभी ये चिपक जाएगी तुरंत। ये अशुद्ध रक्त को विशेष करके पीती है। इसके बारे में आयुर्वेद में ऐसे कहा गया है कि जैसे पहले के जमाने में जैसे सारस का एक पंछी होता था जिसको दूध और पानी मिलाकर दे दिया जाए तो वो केवल दूध पी लेता था और पानी छोड़ देता था, वैसे ही ये अशुद्ध रक्त अगर कहीं पर हो तो उसे पीने का विशेष रूप से काम करती है। इसके जो दांत है, इसके जो ये सलाइवा है, वहाँ पे हिरुडुविन नाम का एक केमिकल होता है। ये इसका मुंह पता नहीं आपको मैं दिखा पाऊँ कि नहीं, मुश्किल है क्योंकि ये बहुत ही चंचल है चलने में। तो हिरुडुविन नाम का एक केमिकल होता है, उसके कारण ये जो भी ब्लड पीती है वो ब्लड क्लॉट नहीं होता। ये मुंह से ब्लड पी पी के पीछे की तरफ इकट्ठा करती है, और ये जिस जगह पे चिपकती है उस जगह पे भी जल्दी ब्लड बन नहीं होता। इसका जो क्लॉटिंग होता है, कहीं भी कट हो जाए तो जो क्लॉटिंग बहुत जल्दी शरीर में हो जाता है, ब्लड क्लॉट, जो कहीं पे भी घाव लगे तो जिसको ब्लड क्लॉटिंग का टाइम कहते हैं कि तुरंत वहाँ पे खून बन करने का काम शरीर शुरू कर देता है। इसके सलाइवा में वो पावर है कि वो जिस जगह पे काटेगी वहाँ पे जल्दी ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होती। इसका ये ऐसे विशेष रूप से गुण है। इसे आयुर्वेद में पित्त के रोगों में, खास करके ब्लड रिलेटेड जो डिसऑर्डर है, चाहे वो किसी भी तरह का पित्त का या रक्त का रोग हो, उसमें इसे सर्वश्रेष्ठ बोला है क्योंकि ये पानी में होती है। इसके बारे में ऐसे कहा है कि ये मधुर है, शीतल है, ठंडी होती है ये नेचर में, इसलिए गर्मी के कारण होने वाले जितने भी, चाहे वो ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो या गर्मी के कारण होने वाला, ये देखिए ऐसे ये चिपक गई गर्मी के, ये इस तरह इसने चिपक लिया है एक मेरे हाथ को। तो गर्मी के कारण होने वाला, चाहे वो माइग्रेन हो या किसी को खून से रिलेटेड कोई भी डिसऑर्डर हो, जैसे कि जिन लोगों को पैरों में बहुत जलन होती है उस टाइम पे, वेरिकोज अल्सर, वेरिकोसिटी में
वेरिकोज वेन में उन सभी तकलीफ़ों में बहुत यूज़फुल है। हार्ट अभी ये चिपकने वाली थी मेरे हाथ में, ये देखो ऐसे करके ये चलती रहती है। तो ये खून से रिलेटेड, ब्लड से रिलेटेड जो कहीं भी डिसऑर्डर है उसमें बहुत अच्छी है। ये अभी ये देखिए, ये इस तरह चिपक गई। अगर मैंने इसे पकड़ने दिया तो ये उस जगह पे चिपक के खून पीना चालू कर देगी। ये है जलौ का, ये अभी चिपकने की कोशिश कर रही है क्योंकि ये भूखी है, पर मैं इसको चिपकने नहीं दूंगा क्योंकि अगर ये चिपक गई तो फिर उस जगह से ब्लड रोकना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आजकल आयुर्वेद में इसे कॉस्मेटिक पर्पस से भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, खास करके अगर पिंपल्स पिंपल्स की तकलीफ होती है जिन लोगों को, और ब्लड खून की खराबी के कारण, और उनका पिंपल्स नहीं जा रहा किसी भी कारण से, वो बहुत दवाई करा ली नहीं ख़त्म हो रहा, तो वो इसको उस जगह पे लगा दे तो पिंपल्स की समस्या बहुत जल्दी ख़त्म होती है। जितने भी मॉडल्स होते हैं वो अपने खून को साफ रखने के लिए, फेस को अच्छा बनाए रखने के लिए कान के पीछे इसे लगाते हैं, क्योंकि ये जहाँ पर चिपकती है, ये जहाँ पर भी चिपकती है वहाँ पे, अब ये शायद मेरे ये साथ में ये कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं चिपक गई है, और ये खून पीने की तैयारी करने की कोशिश कर रही है। अब इसको हम बहुत ज़्यादा परेशान न करके अंदर डाल देते हैं और इसके फायदे के बारे में आगे हम बात करते हैं। तो फिर से अंदर चल जा। ऐसे मेरे पास ये बहुत सारा कलेक्शन है, लगभग ये 30 से ज़्यादा जलौ का है जो हम अपने पेशेंट पे यूज़ करते रहते हैं। अभी इस जार को हम फिर से बंद कर देते हैं। तो इस जलौका को खास करके कॉस्मेटिक पर्पस के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जिनको फेस में पिंपल्स होते हैं या बहुत कुछ फेस में बहुत बड़ी बड़ी फोड़ियाँ हो जाती है और वहाँ से ब्लड निकालना हो तो ये बहुत अच्छा काम करती है। जिनको एलोपेशिया होता है, जिनके बाल बहुत जल्दी झड़ जाते हैं, बहुत जल्दी पैचेस होते हैं, खास करके एलोपेशिया में जो जहाँ पर पैचेस बनने लग जाते हैं उसमें, सोराइसिस के रोग में, चर्म रोगों में, स्किन डिसऑर्डर में जो कि रक्त के कारण खराब होता है उसमें, और कई वैद्य तो सिर्फ इस जलौका के ऊपर ही ज़्यादातर प्रैक्टिस करते हैं, और वो वैद्य खास करके जो मंदबुद्धि बच्चे होते हैं, मेंटल रिटार्डेड जो बच्चे आजकल पाए जाते हैं या हाइपर एक्टिव बच्चे होते हैं, उनको इस जगह पे जहाँ पे चोटी रखी जाती है, ये जो एरिया होता है वहाँ पे वो जलौका लगाते हैं। ये जहाँ भी चिपकती है तो उस जगह के लोकल एरिया को पूरी तरह से साफ कर देती है। अशुद्ध रक्त को अगर शुद्ध करना हो तो उसके लिए ये बहुत अच्छी दवा है। ऐसे लोग जो खड़े होके ज़्यादातर काम करते हैं, जैसे जो बस में हैं या फिर पुलिस वाले हैं, ट्रैफिक हवलदार है, या स्पोर्ट्स में हैं जो रनिंग करते हैं, और जो लोग स्टैंडिंग काम करने के कारण, महिलाएं किचन में बहुत खड़े खड़े काम करती हैं, और वेरिकोज वेन जिन्हें पैर पे नीली नीली काली काली नसें दिखने लग जाती हैं, और लास्ट में एक ही ऑप्शन बचता है कि ऑपरेशन करवाना पड़ता है, उसके लिए ये बहुत सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। इसे अणुशस्त्रों में सर्वश्रेष्ठ कहा है, अर्थात बिना चीर फाड़ किए अगर आपको ऑपरेशन का फायदा लेना है, बीमारियां ठीक करनी है, तो इसे आयुर्वेद सर्वश्रेष्ठ कहता है। ये ऐसे लोगों के लिए ज़्यादातर यूजफुल है जो कि बहुत ज़्यादा धनी है, अमीर है, जैसे कि पहले के ज़माने में राजा इनको कहा जाता था, या बहुत जल्दी जो डर जाते हैं, जो सर्जरी नहीं करवाना चाहते, इंजेक्शन से डरते हैं, सर्जरी से डरते हैं, या छोटे बच्चे जो है या स्त्रियां हैं, तो उन लोगों को ये आराम से लगाई जाती है। वैसे ये इतना मूव करती है इसलिए इसको देख के स्त्रियां क्या, पुरुष भी बहुत सारे डर जाते हैं। ये दिखने में थोड़ी चंचल है तो इसलिए लोगों को लगता है कि कुछ करना दे, पर एक बार में ये केवल 10 से 15 ml तक या 20 ml ज़्यादा से ज़्यादा ये ब्लड पीती है, और ये कमाल की दवा आयुर्वेद में इसे कहा गया है। पहले के ज़माने में इसका पालन पोषण किया जाता था तो इसे एक मटके में रखते थे, और मटके में रख के इसे खाने के लिए, जैसे कि सिंघाड़ा है या फिर शैवाल होती है, ऐसी चीज़ें डाली जाती थी जिसको वो खा के जीवित रहती थी। इसे पालने के लिए 3-3 दिन में पानी बदलने के लिए आयुर्वेद में कहा गया है कि जिस पानी में रहती है, कमल के पत्ते उसके सोने के लिए रखना चाहिए, इसका पानी क्लीन करते रहना चाहिए, तो हमने वैसी व्यवस्था इसके लिए करके रखी है। तो आयुर्वेद में रक्त से रिलेटेड जितनी भी डिसऑर्डर है, जहाँ पे खून के थक्के इकट्ठा हो जाते हैं, ऐसी सभी जगहों पे, और अगर उसमें कहीं पित्त और रक्त का इन्वॉल्वमेंट है, तो उसके लिए आयुर्वेद में ये सर्वश्रेष्ठ दवा है। इसे यूज़ करने का जो बेस्ट टाइम है
वो शरद ऋतु में करने के लिए ज़्यादा ये अच्छी होती है। स्वस्थ पुरुष भी जिन्हें कोई बीमारी नहीं है, वो शरद ऋतु जब अक्टूबर के आसपास का महीना आता है उस समय पे पित्त बढ़ता है तब करा सकते हैं। पित्त के तो जितने भी रोगी हैं जिन्हें बहुत गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन होता है, जिनको माइग्रेन की तकलीफ होती है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि धूप में जाते हैं और उनको भयंकर सिर दर्द होता है, तो इसको लगाते ही तुरंत जैसे ही उस आदमी का जो दर्द है ऐसे लग रहा है कि सिर फट रहा है, सिर में कोई हथौड़ा मार रहा है, वैसा दर्द तुरंत खत्म होता है इसको लगाते ही। ये इतनी फास्ट एक्शन का काम करती है। आज के ज़माने में फॉरेन कंट्रीज या स्पाज में इनको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। फॉरेन कंट्री में तो खास करके कॉस्मेटिक पर्पस के रूप में इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। बैक पेन और इन सभी समस्याओं में भी ये बहुत फास्ट काम करती है। और तो फॉरेन कंट्रीज ने अभी कुछ समय से किया है, आयुर्वेद में तो ये हजारों साल से प्रयोग होती आ रही है और आयुर्वेद के लगभग सभी वैद्य अपने पास इसे ज़रूर रखते हैं। तो ये थी जलौका का, इसे आयुर्वेद में खून साफ करने के लिए सर्वश्रेष्ठ दवा बोली गई है। इसमें दो प्रकार आते हैं, सविष और निर्विष, मतलब कुछ जहरीली भी होती हैं जिसको लगाने से वहाँ पे कुछ समस्याएं हो सकती हैं, और एक बिना जहर वाली भी होती हैं। इसलिए आयुर्वेदिक डॉक्टर जो इसको पालते पोसते हैं वो बिना जहर वाली जलौकाएँ पालते हैं। और ये खून साफ करना हो, रक्त को क्लियर करना हो, तो उसके लिए आयुर्वेद का सर्वश्रेष्ठ दवा है। इसलिए भगवान धन्वंतरी ने अपने हाथ में इस जलौका को रखा है। तो जाते जाते ये है वो जलौका जिसे कि हम आयुर्वेद में खून साफ करने के लिए सर्वश्रेष्ठ दवा कहते हैं। अगर आपको पॉसिबल हो और आपको भी रक्त की कोई समस्या है तो आप अपने नज़दीकी आयुर्वेदिक डॉक्टर या नज़दीकी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में जाकर इसे जरूर करवा सकते हैं। ये एक बहुत ही कमाल की दवा है सभी तरह के रक्त की रोगों के लिए। तब तक के लिए इस जलौका के साथ हम कहते हैं स्वस्थ रहें, मस्त रहें।